पेंसिल से ई एम बाद में है, वी आर ऑल चीफ रास्ता पर बाद में वी आर एलओपी एमडीसी ईएम एमएलए, लेकिन यहाँ में अपना पूर्वी बगल है कहाँ दे हाँ, यहाँ में वाई टी एफ है भाई तुम कहाँ है लोग हाँ कहा टिपरा मोथा है ऊपर भी है आपका। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आई थिंक मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, आपसे आंख से आंख मिला के बात करना चाहता हूँ, ठीक है आंख से आंख मिला के, क्योंकि जब कोई भी इंसान डायरेक्टली बात करता है अपना तीव्रता के साथ वो झूठ नहीं बोलता, जब कोई झूठ बोलता है ना तो वो आंख से आंख मिला के बात नहीं करता, शर्म हो जाता। 2023 के इलेक्शन में हम लोग ने फाइट किया, अंबासन से फाइट किया, 47 नंबर से फाइट किया, उससे पहले एडीसी इलेक्शन में फाइट किया और हम लोग जीता, जीता कि नहीं जब तक तीसरा लैंड तीसरा सा को नहीं मिलता है, एक सीट जीतने से कुछ नहीं मिलता। असली जीत तब होगा जब तीसरा सा को परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन फॉर ग्रेटर तीसरा लैंड मिले, और उसके लिए हमको क्या चाहिए, दखल दे क्या चाहिए, खड़ा होकर बोलो थानसा। थानसा नेता से बनता है कि थानसा पब्लिक से बनता है, पब्लिक से नेता था कि पब्लिक से, पब्लिक से तिप्रासा थानसा देगा कि नेता थानसा देगा, तिप्रासा वो बात रहा यही बोल, नेता 5 साल के लिए बनता है, आएगा जाएगा नेता आते जाते रहे, अगर तिप्रासा का थानसा है तो तिप्रासा को कुछ मिलेगा, अगर तिप्रासा को थानसा नहीं मिला, अगर तिप्रासा का थानसा नहीं रहा तो 70 साल से जो हो रहा था वही ठीक हो सका, ठीक बोल रहा हूं। बहुत लोग नया नया पार्टी शुरू कर रहे हैं, पार्टी शुरू करने से तिप्रासा को कुछ मिलेगा, तिप्रासा को तभी कुछ मिलेगा, हानि प्रसाद को तभी कुछ मिलेगा जब तिप्रासा दिल्ली में जाकर एक आवाज में एस तिप्रासा, नॉट तिप्रा मथा, नॉट INTTIDFT, नॉट TSP, नॉट BJP, नॉट कांग्रेस, नॉट CPM, एस तिप्रासा हानि प्रसाद दिल्ली में जाकर अमित शाह मोदी राहुल गांधी को डायरेक्टली बोले तिप्रासा का सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा, वरना तिप्रासा आपका संग नहीं है। अगर डर डर के दिल्ली गया सर हमारे किचु दे दें अमी मंत्री थकते जाए अमी मंत्री हो जाए सर टाका दे दें हमारे बाड़ी भालो नहीं टाका दे दे उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, लीडर को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, लीडर को डरना नहीं पड़ेगा। टाइगर हमेशा बोलता है अंकेवनी की रिया, केवनी की रिया नहीं, अपना अंदर विश्वास रखो टाइगर, अगर अपना अंदर विश्वास है तो आप फाइट कर सकते, फाइट अपने लिए कभी मत करो, अपने लिए फाइट करने के लिए आपका मां है, आपका बाप है, आपका बच्चा है, आपका भाई है, आपका बहन है, आपका परिवार है,
फाइट वो होना चाहिए जो अपने जाति के लिए फाइट करे, अपना भविष्य के लिए फाइट करे, अपना गरीब गरीब पिपरासा के लिए फाइट करे। सबको लगता है दुकानदार कॉम्प्रोमाइज करेगा, दंग दिया, अनिवेश इलेक्शन खत्म हो गया, कितना महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया गवर्नमेंट में बैठा हूं, नहीं कॉम्प्रोमाइज किया है, नहीं। आज त्रिपुरा में कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है जो इतना लोगों को एक हॉल में बैठा सके, सिर्फ त्रिपुरा मौका, क्योंकि हमने लॉयल्टी, हमने अपना आपको बेचा नहीं। 10 बार दिल्ली गया हूं, आप हर टाइम पिक्चर देख लो, आंख से आंख मिलाकर बात करता हूं, सर झुका के बात नहीं करता हूं, पिपरासा के लिए बात करता मैं रिस्पेक्ट करता हूं, आई रिस्पेक्ट एवरीवन, मैं सबको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं आदर करता हूं, मैं देश का प्राइम मिनिस्टर को आदर करता हूं, मैं होम मिनिस्टर को आदर करता हूं, मैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी को आदर करता हूं, सोनिया गांधी को आदर करता हूं, मैं केजरीवाल को आदर करता हूं, सबको रिस्पेक्ट करता हूं, मैं मानिक बाबू को भी रिस्पेक्ट करता हूं, मुख्यमंत्री जी मानिक शाह जी को भी रिस्पेक्ट करता हूं। रिस्पेक्ट करना एक बात अलग है, अपना गरीब मां बहन बच्चा का भविष्य के बारे में बात करना अलग है। आदर सबका करो लेकिन हमेशा अपना तोहफा के बारे में, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कोई लोग ने प्रेमलाल आप बोल रहा था पहले, जब उस दिन आप मयूमा आया था, रंजीत ने भी इंजीनियर के बारे में बात किया, करप्शन। एक बात हम अपना गुरु गुमा मगन को बोलना चाहते हैं, जब आप लोग पिपरा साहब लोग हम लोग 500 रुपया के लिए थोड़ा सा स्वाप के लिए थोड़ा सा रेगा के लिए अपना वोट बेचता है ना, नेक्स्ट टाइम वोट देने से पहले अपना बच्चा को देखो, अपना बच्चा का भविष्य को देखो। वो जो 500 रुपए का वोट आपने 500 रुपए लेकर वोट बेचा ना, आपने अपना बच्चा का 5 साल खत्म कर दिया। कंप्लेन मत करो उसके बाद, क्योंकि गलती आपका है, आपने 500 रुपया लिया, जो आदमी ने आपको 500 रुपया दिया है वो इलेक्शन जीतने के बाद आपका 5000 रुपया खाएगा, 10000 रुपया खाएगा। आप यहां में जो हम लोगों का सीनियर लोग है, बुरी लोग है, गुमा लोग है, आप लोग स्कूल गए नहीं, आपका बच्चा भी नहीं जाएगा, क्यों? जैसे अलिवेश ने बोला पिपरासा को अधिकार नहीं मिलता यहां, तो नेक्स्ट टाइम जब आप कोई पार्टी का मिशन में जाता है, कोई बोलता है अरे पिपरा मोथा से किचू हमें ना इतने आओ टाका अच्छे चाकरी अच्छे, 70 साल से ना पैसा मिला ना नौकरी मिला, बच्चा लोगों को शिक्षा नहीं मिला, आपका माँ आपका पिताजी को अगर किडनी का प्रॉब्लम है, जॉन्डिस का प्रॉब्लम है, मलेरिया का प्रॉब्लम है, कैंसर का प्रॉब्लम है, टीबी का प्रॉब्लम है, डॉक्टर नहीं मिलेगा, दवाई किसी नहीं मिलेगा आपको, क्यों? और वोट बेचा, इनको लगता है पिपरासा को रखो गरीब, इलेक्शन के टाइम चुआक लेके रंग लेके थोड़ा सा मजदूर लेकर थोड़ा सा वक्त लेके अपना वोट बेच देगा, तो क्यों हेल्प करना? आपको बदलना पड़ेगा अपना दोहा को, अपना थिंकिंग को बदलना पड़ेगा, वाइटीएफ आपको अपना थिंकिंग सोचना पड़ेगा, आज के बारे सोचेगा आपका कल चला जाएगा।
खत्म नहीं। अधिकार कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन टू ग्रेटर पीपरा लैंड, ये फाइट किसका है? ये फाइट किसका है? कोई बोलता मुबागरा का फाइट है, मुबागरा को घर नहीं चाहिए, मुबागरा को रंग नहीं चाहिए, मुबागरा को महल नहीं चाहिए, नौकरी नहीं, मुबागरा के बाद तो सब है। तो ये जब ग्रेटर तिप्रा लैंड अगर कॉन्स्टिट्यूशनल परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा तो किसको मिलेगा? ये किसको मिलेगा? ये नेक्स्ट जनरेशन को मिलेगा, आपका बच्चा को मिलेगा। अरे आपका जिंदगी तो आधा से ज्यादा, हम सबका जिंदगी आधा से ज्यादा तो खत्म हो चुका है, लेकिन आपका बच्चा है आज भी। ये नेता लोग आपका बच्चा का मुख से खाना निकालता है, कॉन्ट्रैक्टर लोग रास्ता बनाता है, इतना पतला लिखता है कि 2 करोड़ का रास्ता बना, आप हथौड़ा से मारो रास्ता निकल जाए। यहां से गंगानगर, भागीरथ, छामनु, मणिपुर क्या हो रहा है? यहां में मलेरिया, मेनिनजाइटिस, रोज लोग मरता है, डायरिया से मरता है। ढलाई डिस्ट्रिक्ट में लोग डायरिया से मरता है। अगर तला में कोई डायरिया से मरता है, कितना दूर है अगर तला यहां से? 1.5 घंटा, 1.5 आवर, 2 घंटा। यहां से 2 घंटा दूर में कोई नहीं मरता डायरिया से, यहां में 2 घंटा दूर में 70 साल के आजादी के बाद भी एक टिपरा सा डायरिया से मरता है, मलेरिया से मरता है। क्यों? क्या डिस्टेंस है? सिर्फ 2 घंटा का क्यों मरता है? क्योंकि टिपरा सा का थानसा नहीं, टिपरा सा बट गया। आज एक पार्टी, कल दूसरा पार्टी, परसों तीसरा पार्टी, चौथा पार्टी, पार्टी बनाते जाओ और तीसरा सा को डिवाइड करते रहो, क्योंकि जितना पार्टी बनेगा उतना थानसा टूटेगा। थानसा टूटा, तीसरा सा को कुछ नहीं मिलेगा, और तब रो, कंप्लेन करो। भूभागरा का आइडियोलॉजी क्या है? हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस दिन सुना, टिपरा मोथा का कुछ आइडियोलॉजी नहीं है। आपका क्या आइडियोलॉजी है? चेयरमैन माओ, लाल सलाम, आपका क्या आइडियोलॉजी है? डुंगुर से रियान जमंगिया त्रिपुरा को लात मार के निकालो, वो आपका आइडियोलॉजी है। 1980 टांगा में भूमिहीन किया, वो आपका आइडियोलॉजी है। उबाकरा का आइडियोलॉजी है अंसा, प्यार करो, एक हो, एक आवाज में आगे बढ़ो, कोई भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। बंगाली टिपरा सा भाई भाई है, झगड़ा करने से कुछ नहीं मिलेगा। मैंने हमेशा एकता के बारे में बात किया, उन्होंने सिर्फ पार्टी के बारे में बात किया। अरे पार्टी करना चाहता है तो पहले जाति के बारे सोचो, जाति नहीं होगा तो पार्टी को कौन वोट देगा? क्या महाराष्ट्र से आके कोई आपको वोट करेगा? कोई पंजाब से आके आपको वोट करेगा? कोई उत्तर प्रदेश से आके आपको वोट करेगा? नहीं, आपका खुद का तिपरा सा आपको वोट करेगा। इसके लिए पार्टी को पीछे रखो, जाति का इंटरेस्ट को सामने रखो। ये मुबारक का थिंकिंग, ये आइडियोलॉजी ठीक है कि गलत है? पार्टी पार्टी पार्टी, हमारे तो अलग पार्टी, क्यों टिकट पे ना? टिकट नहीं मिला तो पार्टी खोलो। कितना लोगों को टिकट दू? आप राजनीति में आता किसके लिए है? टिकट के लिए, कॉन्टेस्ट करने के लिए, या तीपरा सा को गरीब मां, गरीब बहन, गरीब बच्चा को हेल्प करने के लिए? किसके लिए आपने राजनीति में आप निकला है? पैसा कमाने के लिए? तो जाओ दुकान खोलो, बिजनेस करो,
लेकिन टिपरा साहब को बेचने का बिजनेस किया तो कुबाकरा आपका खिलाफ चाहेगा। यहां मैं नकल गए ब्लॉक प्रेसिडेंट, यहां में हम लोग का रियल कम्युनिटी कंचनपुर में 2019 में जब राशन बंद किया हम लोग का रियल का ब्रू रूप में किसी ने आवाज उठाया, किसी ने कुछ बोला? मैंने जाके अपना ब्रू लोग से पूछा तुम्हें कि अमर वोट कर लो अभी तुम्हारा कथा बोल लो ना, हमारा ब्रू हमारा रियान हमारा खून है। हम जाकर उनके लिए बात किया, आज अगर ब्रू कैंप में तकलीफ है क्योंकि ब्रू कैंप में भी लीडर और सपोर्टर के बीच में खनसा नहीं, तो जो पैसा भेजता है दिल्ली 1 लाख भेजा, लीडर ने कुछ रखा, कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ रखा, किसी और ने कुछ रखा, लास्ट में जो गरीब ग्रू है उसको कुछ नहीं मिला। क्यों? खानसा क्रोही। अगर पिपरा साहब को आगे बढ़ना है तो सबसे पहले एक मैसेज होना पड़ेगा, पिपरा लैंड चाहिए नहीं चाहिए? हमको तो लगता नहीं चाहिए, हमको तो लगता है कि आप लोगों को रेगा चाहिए। ये क्या रेगा का पैसा क्या उनका बाप का पैसा है? आपको बीसी इलेक्शन चाहिए कि नहीं? पूरा इंडिया में इलेक्शन हो गया, पूरा इंडिया में इलेक्शन हो गया, त्रिपुरा में भी इलेक्शन हो गया। पहले क्या बोला? कोरोना। बाद में क्या बोला? अपना रियान का वोटर नहीं है, रियान का वोटर को लाओ, वो भी हो गया। अभी लोकसभा होने वाला है, अभी तक डीसी इलेक्शन नहीं हुआ। क्यों? टिपरा साहब को डेमोक्रेसी नहीं चाहिए? पाप लगेगा ऋषिकेश, तो आपने जो बोला ना, इन लोगों को पाप लगेगा कि हमारा गरीब टिपरा साहब को विलेज काउंसिल में अपना दिल का जो लीडर को चुनना है उसको चांस नहीं दिया। ये ना हम लोगों को कमजोर करके, दे वॉन्ट टू मेक अस वीक, दे वॉन्ट टू मेक अस वल्नरेबल, दे वॉन्ट टू डिवाइड अस एंड देन दे डोंट टू गिव अस एनीथिंग। किसी ने बोला बुबागरा तो अब मोथा में प्रेसिडेंट नहीं है, बुबागरा टिपरा मोथा में प्रेसिडेंट नहीं है तो टिपरा मोथा खत्म। जब तक बुबागरा के अंदर दिल में सांस है ना, मैं टिपरा साहब टिपरा जब के लिए आखिरी दम तक हूं। कोई खरीदने वाला नहीं, इतना अभी भी अंदर विश्वास है और आपको विश्वास करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट योर सेल्फ। विजय बाबू ने बोला कि स्मोक गोज अप, जब आप पूजा भी करता है प्रेयर भी करता है गोज अप, आशीर्वाद ऊपर से नीचे आता है, लेकिन पहले प्रेयर पूजा करना सीखो। फर्स्ट लर्न व्हाट यू वांट, लर्न टू अंडरस्टैंड दैट बाय स्प्रेडिंग लव, एक दूसरे से प्यार करो। एक दूसरे से प्यार नहीं किया तो हम लोग कमजोर होगा। आप लोग बोलता है हम कलोय है, हम रियांग है, हम रांगवाल है, सुरजीत मग है, बुकुंबरा है, आप लोग नारबुंग है, आप लोग अगर कला में जाओ कोई नहीं बोलेगा आप मग है, कलोय है, देव वर्मा है, जमतिया है, रिया है, सब बोलेगा नाक चपटा। यहां में आप लोग अमी ब्रू अमी देव वर्मा अमी मग अमी मोरसोम,
दूर अगर तला में जाके बोलो ना कोई कुछ नहीं मिलेगा, इलाज क्या पैसा पशु लीडर लोग बड़ा बड़ा बात करता है। मैंने अपने आप से देखा है 3 साल में लीडर लोग बड़ा बड़ा बात किया, ऑल एंड आर राइट्स करके बात किया, गो बैक बोला, त्रिपुरा पुलिस ये है वो है, सब बड़ा बड़ा बात किया। आज कहां है अगरतला में जूता पॉलिश कर। हिम्मत है तो गरीब के लिए फाइट करो, हिम्मत है तो एक ऐसा त्रिपुरा सा के लिए फाइट करो जिसको आप जिंदगी में आगे अपना बच्चा के लिए आगे पूछो। 14 तारीख को खुमुलुंग में प्रोग्राम, सब लोग बोलता है रुणिल विजय बाबू, सब लोग बोलता है अरे महाराजा तो शिलोंग में रहता है, रहता हूं शिलोंग में, बिजनेस करता हूं शिलोंग का, पैसा कमाकर त्रिपुरा में गरीब त्रिपुरा के ऊपर खर्च करता हूं। और आज शिलोंग से चीफ मिनिस्टर ऑफ मेघालय को लेकर भी पहला बार इतिहास में एक मुख्यमंत्री खुमुलुंग में, अगरतला में भाषण नहीं होगा खुमुलुंग में होगा, एबीसी में होगा, एक मुख्यमंत्री खुमुलुंग आएगा। और हमारा त्रिप्रसा का बात दिल्ली में पहुंचाने के लिए बात करेगा, यह अचीवमेंट है। And I want to tell all the media people, हम हिंदी में बोलता हूं इंग्लिश में बोलता हूं, एक दिन टाइम आएगा जब ऑल द ट्राइबल पीपल, ऑल द इंडिजिनियस पीपल और नॉर्थ ईस्ट, हम लोग को यूनाइट होना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग नॉर्थ ईस्ट का वी आर वेरी स्मॉल, हम लोग बहुत छोटा है, कहीं में 2 सीट, कहीं में 1 सीट, मिजोरम में 1 सीट, त्रिपुरा में 2 सीट, मेघालय में 2 सीट, अरुणाचल में 2, नागालैंड में 1, सिक्किम में 1, एक दिन आएगा हम सबको एक होना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग अलग अलग आवाज में दिल्ली में बात किया कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम लोग एज इंडिजिनियस नेटिव सन ऑफ द सॉइल त्रिपुरा सा ट्राइबल इंडिजिनियस पीपल मिलकर हमने एक टीम बनाया और एक टीम बनाकर हम लोग ने दिल्ली में अपना बात रखा, अपना दिल का बात रखा, अपना दर्द का बात रखा, अपना जेन्युइन डिमांड रखा, अपना सोल्यूशन मांगा, तो दिल्ली को भी हमारा बात सुनना पड़ेगा। 14 तारीख खुमुलुंग में मुख्यमंत्री आएगा मेघालय का, कॉनराड सांगमा, आप लोग आएगा कि नहीं आएगा? उसे नबी एक लीडर ने हमको बोला एक खुमुलुंग के बेची दूर आते आए तो मत बोला, टाकारा दौकारा से दाढ़ी भारत आए ना, आप लोग आएगा कि नहीं आएगा? उसको भी दिखाना है, कॉनराड सांगमा को भी दिखाना है कि जितना त्रिपुरासा यहां में एक हुआ है ना मेघालय में भी इतना नहीं हुआ है, जितना यहां में इंडिजिनियस लोग पूरा नॉर्थ ईस्ट में अगर सबसे ज्यादा एक हुआ है ना, बिना कोई भी पार्टी का पैसा नहीं, अकेला ना बीजेपी के साथ ना कांग्रेस के साथ, अकेला इतना दम में हम लोगों ने फाइट किया है ना, तो सिर्फ त्रिपुरा में किया है, पूरा नॉर्थ ईस्ट में। लास्ट अंबासा को मैं बोलना चाहूं, ये आपका टाइम है, ये वॉरियर्स का टाइम है, अगर आपको लगता है कि यहां में कुछ प्रॉब्लम है, विजय रामपाल से मैं मिलता हूं अंबासा को, लेकिन आप लोग डरो मत, जब गवर्नमेंट का ऑफिसर जाएगा और ऑफिसर बोलेगा आपका एमएलए करें, नहीं चित्तो बाबू का पिताजी बीमार है, आप भी लीडर है, आप भी लीडर है, आप भी लीडर है, आप सब लीडर है, जरूरत कोई काम नहीं करे चैलेंज करो, कोई बात नहीं सुने चैलेंज करो, कोई बोले तुम्हें के
आज गड़ा पूरा जिंदगी करते रहेगा। लास्ट में अम्बा साहब सुरजीत मोह, आपने बोला कष्ट अच्छे ये वो। सुरजीत, हमको सुनने में लग रहा है कि आप सीपीएम कांग्रेस दूसरा पार्टी का है। टिपरा मोथा पार्टी नहीं मूवमेंट है। अगर प्रॉब्लम है तो घर का प्रॉब्लम है, घर का अंदर सॉल्व, ठीक है, घर का अंदर घर का प्रॉब्लम प्रेमला, घर का प्रॉब्लम घर के अंदर। ब्लॉक प्रेसिडेंट साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब, कुशराय, घर का प्रॉब्लम घर में ठीक करो। बाहर में अगर फाइट किया ना तो नंगा हो जाता है। हम लोग पिपरा मोथा के लिए फाइट नहीं कर रहा है, हम लोग सीट प्रार्थना के लिए फाइट कर रहे हैं। और आप लोगों ने इतना प्यार दिया हमको। अभी प्रोग्राम से पहले एक क्या नाम है अश्किन, अश्किन कहा है अश्किन, अश्किन देव वर्मा है, छोटा सा लड़का है, कहा गए हो थोड़ा है, हमको इसने 100 रुपए दिए। हमको 100 रुपए दिए, बाबरा को 100 रुपए दिया फाइट करने के लिए। ये है मैं आपको बोला, अरे मैं प्रॉमिस करता हूं ये 100 रुपया मैं कभी खर्च नहीं करूंगा, अपने दिल में रखूंगा, ये आशीर्वाद है। ये मेरा प्यार है, ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं अपने टिपरा साहब को कुछ न कुछ तो दूंगा, कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। जलाई जलाई जो हम आए तीपरा मोथा तीपरा था दोफा तीपरा जग तीपरा समान। आई लव यू, आई लव यू मुंबा, आई लव यू एंड आई लव यू। 14 तारीख को दिखाओ मीडिया, आप लोग कभी कभी कवर करता है, कभी कभी कवर नहीं करता। हम लोग इतना खराब इंसान भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ मीडिया लिखते रहता है ये हो रहा है वो हो रहा है। अगर नफरत करना है तो उनसे नफरत करो जिसने आपको कुछ नहीं किया। हमारा फाइट किसी के खिलाफ नहीं है, कोई जाति के खिलाफ नहीं है, कोई धर्म के खिलाफ नहीं है, कोई कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है। ये मैं हर भाषण में बोलता हूँ, तभी भी आप लोग लिखता है बुबागरा विलेन नंबर वन। एक दिन विलेन नंबर वन को भी आपको सल्यूट करना पड़ेगा, उस दिन मैं हीरो नंबर वन बनूंगा।